गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल यशोदा वर्मा लाइफ। और आज है करवा चौथ, तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। और रात लगाई थी मैंने ये मेहंदी, ये वाली हाथ की मेरे हस्बैंड ने लगाई थी, और मैं अपनी वाली दिखा देती हूँ। ये वाली लगाई थी मैंने। तो सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। सभी का करवा चौथ बहुत अच्छा जाए, मेरा भी बहुत अच्छा जाए, मैं आशा यही करूँगी। और जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सभी को वेरी हैप्पी करवा चौथ। अभी मैं उठ चुकी हूँ सो के, और मैं करूँगी घर का थोड़ा सा काम, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। सो फ्रेंड, अभी मैं आ चुकी हूँ नहाकर, और फिर मैं होंगी अभी थोड़ा सा रेडी, और मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। और जो कल मैंने करवा चौथ की तैयारी की थी, उसकी क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो फ्रेंड, मैं बनाने जा रही हूँ बेसन के लड्डू। ये बेसन के लड्डू की प्रिपरेशन है, और यहाँ बेसन के लड्डू मैं बांध लेती हूँ। एक्चुअली मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं, तो मैंने सोचा बाहर से क्यों ख़रीदना, घर पे ही बना लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने घर में ही जब खाने का मन करता है तो बेसन के लड्डू बना लेती हूँ। और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। बेसन के लड्डू बनाना वैसे भी बहुत आसान होता है, तो इस तरह आप भी बना के देखिए और इन्जॉय कीजिए बेसन के लड्डू। तो फाइनली मेरे बेसन के लड्डू अब तैयार हो गए हैं। ये देखिए कैसे बने हैं। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए हैं, फिर भी लगभग 1 किलो के तक तो बन ही गए होंगे। ये देखिए कैसे लग रहे हैं। और इसमें मैंने कुछ बादाम के पीस काट कट करके रखे हुए हैं, ताकि देखने में थोड़ा और अच्छा लगे। उसके बाद मैं गई हूँ मार्केट, और यहाँ देख सकते हैं आप मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो मैं ज़्यादा कुछ सूट भी नहीं कर पाई। ये देखिए मार्केट की हल्की सी क्लिप ली है मैंने, और फिर मैं गई पार्लर अपनी आईब्रो करवाने। ये देख सकते हैं, ये दोस्तों मेरी हो गई है सारी करवा चौथ की तैयारी। मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, ताकि मैं बाद में कुछ भी भूल ना जाऊं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि मैं करवा चौथ पे क्या पहनने वाली हूँ। ये सारा सामान है जो कि मैं पहनने वाली हूँ। तो ये मैरून कलर की साड़ी है, ये मैरून कलर की साड़ी पहनूंगी मैं। ऊपर से अपना ये लहंगे का दुपट्टा लूंगी इसके ऊपर। और ये है नेकलेस जो मुझे मेरी शादी में मिला था, तो ये वाला मैं नेकलेस पहनूंगी। ये गोल्ड का है, और चूड़े ये पहनने वाली हूँ मैं। मेरा मैरून चूड़े पहनने का बहुत मन था, तो फाइनली मैं मैरून चूड़े पहनने वाली हूँ। मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं मैरून कलर के चूड़े पहनूंगी। तो टाइम आ गया कि मैं मैरून कलर के चूड़े पहनूं करवा चौथ पे। और ये है सारा पूजा का सामान, ये छलनी, कैलेंडर, और ये मेरी थाली। और ये पहनूंगी मैं कान के, हर बारी मैं गोल्ड के पहनती हूँ, तो इस बार मैंने सोचा मैं ये पहनूँ। तो कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे बताना। ये पहनने वाली हूँ मैं। और ये है कमरबंद, और ये है मेरे मेकअप का कुछ सामान। ये देखिए बिंदी, वैसे मैं ले आई हूँ, अगर मेरा मन करा तो मैं गोल लगा लूँगी, अदरवाइज़ ये वाली लेके आई हूँ मैं, मेहरून कलर है ये भी। ये देखिए कैसी लग रही है। तो ये हैं सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करूँगी। ये देखिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ब्लॉग बहुत अच्छा रहेगा। करवा चौथ का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। और ये बिछिए मैं पहनने वाली हूँ, चेंज कर रही हूँ अपने पुराने बिछिए। और मेरा मंगलसूत्र तो आप सब लोगों ने देखा ही हुआ है, तो ये है मेरा मंगलसूत्र। और एक हाथ पे मैं लगा रही हूँ अपने खुद से मेहंदी। ये देखिए, अब यहाँ कोई लगाने वाला नहीं था, और बाहर मैं जाना नहीं चाह रही थी, तो मैंने खुद से ही अपने हाथ पर मेहंदी लगा दी। और दूसरा हाथ पर ये मेरे हस्बैंड मेहंदी लगा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मेहंदी लगा रहे हैं मेरे हाथ पे। नेल पेंट की ये डब्बी रख के नेल पेंट रखा हुआ है इन्होंने, और फिर ये इस तरीके से मेरा हाथ भरने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, तो इस तरीके से इन्होंने मेरा हाथ भर दिया है। ऑलमोस्ट ठीक से ही लग गई है, ऐसा नहीं है कि हाथ ख़राब हो गया, ठीक लग गई है मेहंदी।
तो यहाँ लगा रही हूँ मैं अपने पैरों में हल्दी। हल्दी के बाद मैं लगाने जा रही हूँ रंग, जिसे आलता भी कहते हैं और हमारे यहाँ तो महावर कहते हैं। खैर, तो मैं महावर लगाऊंगी। यहाँ महावर लगाने के बाद मेरे पैर तो जाएंगे सज और फिर बिछे भी चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने महावर भी लगा ली है और मेरे पैरों में बिछे जो मैंने हैं, मैंने बताया था कि मैं दूसरे चेंज कर रही हूँ, तो मैंने ये वाले बिछे पहने हैं। ये फाइनली यहाँ पर हम कथा करने जा रहे हैं। दोपहर में बच चुके हैं, दोपहर के करीबन 2:30 बजे का टाइम है और कथा करने के बाद हम लोग सब करेंगे अपने खाने की तैयारी और फिर फाइनली हमारी पूजा हो गई है। कथा की पूजा तो हो गई है, लास्ट में बस चांद की पूजा करनी है। हमारे यहाँ दिल्ली में हो रही है बारिश तो चांद तो दिखा नहीं, तो ये वीडियो कॉलिंग में चांद देखकर हमने अपना व्रत खोला है और फाइनली मेरी पूजा हो गई है। सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।